बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, दिस इज सर सऊद। मैं आपको अपने चैनल सऊद सॉल्यूशंस में खुशामदीद कहता हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का टॉपिक है और एक्सरसाइज नंबर है 7.2 पेज नंबर 233 पे मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 14, और इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की जाने बढ़ते हैं। मैं बुक से जो है सवाल को पढ़ के एक्सप्लेन करूंगा, बुक आपके सामने खुली हुई होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 में तीन पार्ट से, आसान से ये कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 डिफरेंटली कलर्ड बीड्स कैन बी। 8 डिफरेंट कलर के मोती हैं, इनको आप किस तरीके से अरेंज करेंगे। पहले पार्ट में कह रहा है अरेंज इन अ रॉ, एक रॉ में, एक ही लाइन पर, एक कतार। आइए पहले पार्ट का सॉल्यूशन। देयर आर 8 डिफरेंट कलर बीड्स, बीड्स मोती हैं। अच्छा, कलर रंगीन, मुख्तलिफ कलर हो सकते हैं। और मुख्तलिफ इसका मतलब ये, यहां पर एक चीज जो आपको तंग कर सकती थी वो ये बात कर सकती थी कि 8 कलर के मोती हैं, वो सेम भी तो हो सकते हैं, और जब सेम हो सकते हैं तो हम गुरु परमुटेशन पे जा सकते हैं। अच्छा, इसीलिए लफ्ज उसने इस्तेमाल किया डिफरेंट का। डिफरेंट का मतलब मुख्तलिफ। जब मुख्तलिफ कलर होंगे तो इसका मतलब रिपीटेशन का मतलब ही नहीं, यहाँ पे रिपीटेशन हो ही नहीं सकता। जब रिपीटेशन नहीं हो सकता तो ग्रुप परमोटेशन की तरफ नहीं जाएंगे, तो इसका मतलब है हम डिस्टिंक्ट परमोटेशन की तरफ जाएंगे। अब वो कह रहा है कि आपके पास 8 मुख्तलिफ कलर्स के मोती हैं, इसको एक ही लाइन पर, एक ही कतार में, एक रॉ में कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ वेज एन फैक्टोरियल वेज फॉर्मूला बनेगा, डिस्टिंक्ट परमोटेशन का फॉर्मूला। n कितना है, 8 है, आपने लिखा 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल को कैलकुलेटर की मदद से डायरेक्ट सॉल्व कर लें तो 40320 आएगा, वेज हो जाएगा। आप इसको ब्रेक करके भी कर सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इनटू 2 इनटू 1, बात वही है। डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से जवाब लेंगे, कोई मसला नहीं है, आपको एग्जाम में नंबर मिलेंगे। ये था पहले पार्ट का सिंपल सा सॉल्यूशन। अब आइए सेकंड पार्ट की जाने। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि उन्हीं 8 डिफरेंट मोती को, बीड्स को अगर हम अरेंज करें, अरेंज इन अ सर्किल, सर्किल में, ऑन अ टेबल, एक टेबल पर, एक टेबल पर सर्किल की फॉर्म में आपने करना है। अच्छा, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट बात, सेकंड पार्ट, द बीड्स आर अरेंज इन अ सर्किल, ये सर्कुलर परमुटेशन का सवाल है। अगर आपको कुछ चीजें अरेंज करनी हो सर्किल में तो इसका फॉर्मूला होता है हमेशा n of s is equal to n minus 1 factorial। क्या होता है n minus 1 factorial। अगर कुछ चीजों को आपने सर्कुलर फॉर्म में, सर्किल की शक्ल में अरेंज करना होगा तो इसकी जो है परमुटेशन निकालने के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वो n minus 1 factorial। तो यहाँ पे सर्कुलर परमुटेशन का पार्ट गिवन है। तो देखिए, द बीड्स आर अरेंज इन अ सर्किल, फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला सर्कुलर परमुटेशन का, मैंने यहाँ पे नोट डाउन करने, ये लिख लीजिएगा n of s is equal to n minus 1 factorial ways, n कितना है 8 बीड्स से, 8 minus 1 7 हो गया, 7 factorial को आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे या 7 multiply by 6 multiply by 5 multiply by 4 multiply by 3 into 2 into 1 तो रिजल्ट आएगा 5040 ways। तो ये आपके पास सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में और सेकंड पार्ट में थोड़ी सी रिजेम्बलेंस है, थोड़ा सा फर्क है, और इसको समझिएगा। थर्ड पार्ट में कह रहा है उन्हीं 8 मोतियों को आपने अरेंज करना है फॉर्म इनटू अ नेकलेस, एक नेकलेस की फॉर्म, नेकलेस एक हार की सूरत में। अगर हम उन फॉर नेकलेस के लिए देखें, अगर उन मोतियों को एक हार में डाल दिया गया मिसाल के तौर पर, तो वो हार जब आप पहनेंगे तो वो आधा आधा डिवाइड हो जाता है, आधी आधे मोती इस तरफ हो जाएंगे, आधे मोती इस तरफ हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ वेज, जब नेकलेस का केस आएगा तो वही सर्कुलर परमुटेशन के फॉर्मूले को n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाई टू कर देंगे आप,
टू से डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि जब आप हार पहनते हैं तो आधा जो है हिस्सा इस तरफ आ जाता है, आधा इस तरफ, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, इसलिए इसको टू से डिवाइड कर दिया जाता है। अब देखिए मोती आपका सारी एट एंटीजी का पुट करेंगे, एट माइनस वन सेवन फैक्टोरियल डिवाइड बाई टू, सेवन फैक्टोरियल का रिजल्ट आएगा आप कैलकुलेटर से निकाल लीजिए 5040 आएगा, डिवाइड बाई टू करेंगे तो 2520 वेस, इसका मतलब है 2520 वेस आएंगे अगर आप उन आठ मुख्तलिफ कलर के मोतियों को जो है नेकलेस हार में बनाएंगे या अरेंज करेंगे। तो ये था स्टूडेंट्स बहुत ही आसान से तीन पार्ट्स जो कि आपके पास 5 मार्क्स के सवाल में भी पूछे जा सकते हैं और हर पार्ट को वो अलग अलग करके एमसीक्यूज की शक्ल में भी पूछ सकता है। इसके अलावा फॉर्मूले भी एमसीक्यूज की शक्ल में पूछ सकता है, एन माइनस वन जो है सर्कुलर परमुटेशन का फॉर्मूला एमसीक्यूज में आ सकता है और फॉर नेकलेस के केस के लिए एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाई टू फॉर्मूला होता है, ये भी आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स हम इसके साथ ही आज का अपना वीडियो लेक्चर एंड करते हैं। इंशाल्लाह ताला नए सवालों के सलूशन को जानने के लिए आप देखते रहिएगा सऊ सॉल्यूशंस। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।